तो प्लांट ग्रोथ जी रेगुलेटर्स चैप्टर 15 क्लास 11 बायोलॉजी। इसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन। दे कुड बी इंडोल कंपाउंड्स, इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड आईएए। उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई? आईएए। टर्पीन्स एबीए, और यहाँ पर एडिनिन डेरिवेटिव सल्फ्यूराइल प्यूरीन काइनेटिन ये बोला है, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स, एब्सिसिक एसिड, टर्पीन, जिब्रेलिक एसिड, GA3 गैसेस। तो ये कुछ केमिकल के फॉर्मूलेज दे दिए। ये आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, दैट मींस प्लांट हॉर्मोन्स हैं। एंड वेरियसली डिस्क्राइब प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट हॉर्मोन्स, फाइटो हॉर्मोन्स इन लिटरेचर। PGR can be broadly divided into two groups. एक तो आपका ग्रोथ प्रमोटिंग वाले, इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज, जैसे कि सेल डिवीजन बढ़ाने वाले, सेल इनलार्जमेंट बढ़ाने वाले, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, और दूसरे जो इन एक्टिविटी को इनिबिट करते हैं, ग्रोथ इनिबिटिंग, जैसे कि डोरमेंसी कराने वाले, एब्सिशन कराने वाले, ये भी हैं। तो दो, जिसमें दो आते हैं, एब्सिसिक एसिड और इथाइलीन गैसेस हार्मोन। तो दो कैटेगरी में बट गए, एक तो ग्रोथ प्रमोटिंग प्रमोटर्स और एक क्या हो गए? इनहिबिटर्स। दूसरे क्या हो गए? इनहिबिटर्स, ग्रोथ इनहिबिटिंग। तो इनहिबिटिंग के दो नेम्स हैं, एब्सिसिक एसिड और इथाइलीन, और प्रमोटिंग के क्या है? तीन है, इनहिबिटरी। प्रमोटर्स में तीन है, एक जिब्रेलिक एसिड, एक आपका ऑक्सिन आईए जिसका एग्जांपल है, जिब्रेलिक एसिड, और एक आपका दिस जिब्रेलिक एसिड एंड साइटोकाइनिन, ठीक है। काइनेटीन करके वर्ड आया था, काइनेटीन ये रहा, तो ये साइटोकाइनिन। तो तीन आपके प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, दो आपके प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया इनका। ओके मैम, थोड़ा डिटेल में भी आपको समझ में आना चाहिए द डिस्कवरी कैसे हुई, इनका क्या रोल है। इंटरेस्टिंगली डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द फाइव मेजर ग्रुप्स ऑफ पीजीआर हैव बीन एक्सीडेंटल, कि कोई साइंटिस्ट कुछ काम कर रहा है अपने लेबोरेटरी में, एक्सीडेंटली उसने ये फाइंड कर, एट दिस स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड उसका सन फ्रांसिस डार्विन, व्हेन दे ऑब्जर्व पोलियोटाइल्स ऑफ कैनरी ग्रास रिस्पोंडेड यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन By growing toward light source, phototropism. उसने देखा कि कोलियोप्टाइल मतलब ओट के सीडलिंग की जो टिप है, यूनिलेटरल लाइट, अगर एक तरफ से उसे लाइट देते रहते हैं तो वो उस तरफ झुकती रहती है, यानी कि मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट। और उसकी टिप में पर्टिकुलर ऐसा सब्सटेंस पाया जाता है जो उसको ये करने के लिए एबल करता है। तो उसने कहा कि after the series of experiment concluded at a tip of collector with site of transmissible influence that caused the bending of entire coleoptile, और ऑक्सिन आइसोलेट किया उसकी टिप से, एफ डब्ल्यू बेंट ने टिप्स ऑफ द कोलियोप्टाइल ऑफ द ओट सीड्स। तो इस तरह से ऑक्सिन की इस एक्सपेरिमेंट की वजह से, कोलियोप्टाइल के बेंडिंग की वजह से, बेंडिंग ऑफ टिप की वजह से ऑक्सिन की डिस्कवरी। जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी बताइए, बैकेन डिजीज। बैकेन एक फूलिश सीडलिंग डिजीज है, टाई सीडलिंग की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ऐसे सीडलिंग जिनको फंगी ने इन्फेक्ट कर रखा है। फंगी कौन सी? फ्यूजी कोरिया, जिब्रेला फ्यूजी कोरिया, ऐसी नाम की फंगी ने उन्हें डिस्कवर कर रखा है सीडलिंग को, बाय फंगल पैथोजन जिब्रेला फ्यूजी कोरिया। एंड 1926 ने इन सीडलिंग्स ने क्या किया, इनको देखा गया तो इनका अपीयरेंस कैसा था, बहुत ज्यादा ग्रोथ ऑफ देयर इलोंगेशन ऑफ देयर नोड्स, इंटर नोड्स एंड नोड्स, बोल्टिंग हो गई। प्लांट ऐसे बने इससे, जब जिब्रेला फ्यूजी कोरिया से इन्फेक्टेड तो प्लांट्स ऐसे बने, इनसे जब ये ग्रो हुए तो बहुत लंबे, एक्सेप्शनली बहुत लंबे, हाइट बहुत थी इन प्लांट्स की, राइस के प्लांट्स की, बट अंदर कैसी थी, नोड्स और इंटर नोड कैसी थी, हॉलो थी, नोड्स और इंटर नोड्स हैवी थी।
यहाँ से अब पढ़ो दक्ष. F Scooge and his workers, co-worker observed that from internodal segments of tobacco okay. stem, the callous and undifferentiated mark. मैम पढ़ू मैं? Yes, read it. F Scooge and his co-worker observed that from the internodal segment of tobacco stem that the calcus a mass of undifferentiated cells porified only if in addition to oxygen the nutrition medium was supplemented with one of the following extracts of vascular tissue yeast extract coconut milk or DNA. Myler et al. 1955 later identified and crystallized the cytokinase promoting active substance that they termed chitin. यहाँ पर पता चला एफ स्कूग और उसके वर्कर्स कुछ स्टेम की कटिंग्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे टोबैको की कटिंग्स पे और इसको क्या कहा प्लांट टिश्यू कल्चर बोला. क्या बोला? प्लांट टिश्यू कल्चर. प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है? पीटीसी. प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है कि किसी भी प्लांट के एक पार्ट को से पूरा प्लांट ग्रो कराने की कोशिश करी जाती है. तो जब इसमें टोबैको की स्टेम ली टोबैको के नए प्लांट बनाने की कोशिश करी तो वो तब तक नहीं बनते थे जब तक न्यूट्रिएंट मीडियम में जिसको जिसके ऊपर टोबैको स्टेम्स कल्चर कर रहे हैं उनके ऊपर अगर हम कोकोनट मिल्क का एक्सट्रैक्ट ना डालें या यीस्ट के एक्सट्रैक्ट ना डालें तो तब तक वो उसके अंदर कुछ नए ग्रोथ नहीं होती थी. उस प्लांट टिश्यू के प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है एक्चुअली में कॉनिकल फ्लास्क के अंदर किसी भी टिश्यू को हम मीडिया के ऊपर ग्रो करा रहे हैं. इस पे मीडिया है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर और कॉर्क लगी हुई है. यहाँ पर स्टेम कटिंग पड़ी हुई है टोबैको की पर इस मीडिया में हमको क्या डालना पड़ेगा या तो हम कोकोनट मिल्क डालें थोड़ा सा या हम यीस्ट का थोड़ा एक्सट्रैक्ट डालें तभी साइटोकाइनेसिस प्रमोट होती थी. यानी कि इन कोकोनट मिल्क और यीस्ट एक्सट्रैक्ट में कुछ ऐसा सब्सटेंस होता था जो कि साइटोकाइनेसिस प्रमोट करता था और वो सब्सटेंस कहलाता था काइनेटिन. और इसको नाम इससे ही डिस्कवरी हुई किसकी? साइटोकाइनिन नाम के हार्मोन की. साइटोकाइनिन जिसका काम क्या होता है? साइटोकाइनेसिस प्रमोट करना. अब आगे पढ़ो. रीड नेक्स्ट. ड्यूरिंग मिड 1960s थ्री इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स रिपोर्टेड द प्योरिफिकेशन एंड केमिकल characterization of three different kind of inhibitor, inhibitor B, abscess second and dormine. Later all the three were proved to the chemically identical. It was named abscessic acid ABA HH cousins 1910 confirmed the release of a volatile substance from ripened orange that hastened the ripening of stored unripened bananas. Later this volatile volatile substance was identified as ethylene, a gaseous PGR. Let us study some of the physiological effects of these five characters characterizing or PGRs in the next section. 1960 में तीन independent researches करी गई. थोड़ा तेज बोलो. 1960 में तीन independent researches की गई और purification के लिए और इसका नाम दिया गया एब्सेसिक एसिड. हाँ तो तीन चीजें 1960 के मिड में इंडिपेंडेंट रिसर्चेस के दौरान मतलब अलग अलग साइंटिस्ट कर रहे थे उन्होंने प्योरिफाई किए तीन सब्सटेंसेस इनहिबिटर बी भी एब्सेशन टू भी और डॉर्मिन भी और लेटर इन तीनों को एक ही केमिकल आइडेंटिटी दी गई नाम रख दिया एब्सेसिक एसिड. एचएच कजन्स ने 1910 में कंफर्म किया रिलीज ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंसेस. एक पका हुआ फ्रूट दूसरे कच्चे फ्रूट को भी पका देता है बिकॉज उसमें से एक गैस निकलती है इथाइलिन.
ये गैसियस पीजीआर है, उसका काम राइपनिंग में। तो अब नेक्स्ट पढ़ो, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि हर हार्मोन प्लांट में किस तरह के इफेक्ट शो करता है, ये इम्पोर्टेंट है। ऑक्सिन के क्या इफेक्ट्स हैं, साइटोकाइनिन के क्या हैं, बताओ आप, पढ़ो इसे। मैम ऑक्सिन, ऑक्सिन इज डाइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ऑक्साइन, इट मींस टू ग्रो, वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन। द टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA एंड टू अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड हैविंग सर्टेन ग्रोथ रेगुलेशन प्रॉपर्टीज। दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपेक्स ऑफ द स्टेम एंड रूट फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन। ऑक्सिन लाइक II एंड इंडोल ब्यूटरिक एसिड IBA हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड NAA नेफ्थलाइन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफेनोक्सीएसिटाइक एंड सिंथेटिक ऑक्सिन्स। ऑल दीज ऑक्सिन हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। कुछ तो ऑक्सिन्स के नाम बताए हैं पहले, कि ऑक्सिन इंडोल 3 एसिटिक एसिड का सबसे पहले ह्यूमन यूरिन से भी पता चला। सिंथेटिक ऐसी चीजें भी हैं कुछ जो आर्टिफिशियल ऑक्सिन्स हैं, जिनको अगर स्प्रे करा जाए, जैसे कि इंडोल ब्यूटायरिक एसिड है, ऑक्सिन लाइक IAA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड एंड प्लांट से निकाले गए हैं, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 2,4-D ये सिंथेटिक है। इनमें से दो ये वाली जो है इंडोल एसिड एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड हुआ और एक इंडोल ब्यूटेरिक एसिड हुआ, ये दोनों तो प्लांट के हैं, ये तो नेचुरल है, पर 2,4-D और आपका NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड ये सिंथेटिक है, यानी ये आर्टिफिशियली बने हैं, पर दोनों के इफेक्ट्स एक जैसे देखे जाते हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में, इन्हें देखा जाता है। दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, वही बात हुई PTC, जब प्लांट टिश्यू कल्चर करते समय स्टेम कटिंग रखें तो अगर हम ऑक्सिन बढ़ाते हैं मीडियम में तो रूटिंग होने लगती है, रूट्स निकलने लगती हैं उनकी। एप्लीकेशन वाइडली यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपोगेशन, प्लांट के प्रोपोगेशन के लिए नहीं यूज किया जाता है। ऑक्सिन फ्रॉम फ्लावरिंग प्रमोट कर देते हैं पाइनएप्पल्स में। दे हैव टू प्रिवेंट फूड एंड लीव ड्रॉप्स एट अर्ली स्टेजेस, अर्ली स्टेजेस पे गिरना बंद करा देते हैं लीव और फ्रूट्स को। एब्सॉर्प्शन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स, ये उनको गिराते हैं, कच्ची चीजों को नहीं गिराते। अगर छोटे पत्ते हैं, नए नए पत्ते उग रहे हैं या फ्रूट्स हैं जो बिना मतलब पकने दें, उसे आराम से पकने देंगे, जो मैच्योर हो गया है उनकी प्रमोट करेंगे ऑक्सीजन, उनको गिराएंगे, बट जो कच्चे हैं उनको नहीं गिराएंगे ऑक्सीजन। मोस्ट हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, ज्यादातर हमने देखा है कि जो सबसे टर्मिनल बड होती है सेंटर वाली, वो लंबी लंबी होती रहती है, पौधा लंबा होता रहता है, और साइड वाली बर्ड जितनी ग्रो नहीं होती तो पौधा घना नहीं होता। तो ऊपर से क्या करते हैं फार्मर्स को और गार्डनर्स को देखा होगा, ऊपर से कटिंग करते हैं बड़ी बड़ी कैंची लेकर, ट्रिमिंग करते हैं पौधे की, उससे क्या होता है ऑक्सिन नीचे डिफ्यूज करता है डीकैपिटेशन करने से, रिमूवल ऑफ शूट टिप्स यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, और लेटरल बर्ड्स बनती है इससे। इट इज वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन, हेज मेकिंग, इन सब में काम आता है, क्योंकि बुश बुश जैसी हैबिट बन जाती है पौधे की, झाड़े और बड़े बड़े घने होने लगते हैं, लेटरल बड्स बनने लगती है। एक और इफेक्ट है कि पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करता है, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बना सकता है। And mature monocotyl plant it is used to prepare weed free weeding, natural weedicide भी है ऑक्सिन। अगर हम इनको स्प्रे करते हैं तो वीड्स हट जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। ऑक्सिन ऑल्सो कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, ऑक्सिन जाइलम डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन में भी थोड़ा बहुत प्रमोशन करता है। अब जिब्रेलिक एसिड का पढ़ो, जिब्रेलिक एसिड जिब्रेलिक एसिड पढ़ो बेटा, कोई भी एक बच्चा पढ़ सकता है जिब्रेलिक एसिड। मम्मी आए
Yes, पढ़ो. Zebralics are another kind of promontory PGR. They are more than 100 gigabrels reported from widely different organisms such as fungi and higher plant. They are denoted as GA1, GA2, GA3 and so on. However, gibberic acid GA3 was one of the first gibberins to be discovered and remain the most intensively studied form. All GAs are acidic. They provide a wide range of physiological responses in the plants. Their ability to cause an increase in length of axis is used to increase the length of grape stakes. Gibberins causes fruit like apple to elongate and improve its shapes. They also delay sensation. Thus, the fruit can be left on the tree longer as to extend the market period. GA3 is used to speed up the malting process in brewing in beverage industry. Sugarcane stores carbohydrate as sugar in their stem. Spring sugarcane crop with gibberin increase the length of the stem, thus increase the yield as much as 20 ton per acre. These are benefits mil rahe gibberellic acid ke, kitne benefits mil rahe, fruits ke shape badha raha hai, fruits ki senescence bhi kya kar raha hai, delay kar raha hai. मतलब फ्रूट्स फॉल नहीं करेंगे टाइम से पहले, फ्रूट्स अपने पेड़ों पर लगे रहेंगे, एप्पल्स बड़े बड़े बन जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएगी उनकी शेप, ग्रेप्स की लेंथ स्टॉक की बढ़ जाएगी एंड जिब्रेलिंग्स की वजह से फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री सो एज टू इंक्रीज मार्केट पीरियड. GA3 ऑल्सो स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री. मतलब जो ब्रूइंग करवाते हैं, यानी कि ब्रूइंग मतलब जर्मिनेशन, जैसे सीड्स हैं, बहुत सारे सीड्स हैं, गन्ने की फैक्ट्री में काम आता है ये, क्योंकि अल्कोहल बनाने की प्रोसेस में शुगर केन का मोलासेस ले सकते हैं, या तो हम कुछ ग्रेन से भी बनाते हैं, ज्वार या फिर गेहूं, इनको भी फर्मेंट करके भी अल्कोहल बनाई जाती है लार्ज. तो तब क्या किया जाता है, इन गेहूं वगैरह को स्प्राउटिंग करवाई जाती है इनकी, तो उन उसी को प्रोसेस को माल्टिंग कहते हैं. माल्टेज एंजाइम इन्वॉल्व होती है, क्योंकि तो जिब्रेलिक एसिड से स्प्रे करने पे माल्टिंग बहुत जल्दी हो जाती है, स्पीड अप हो जाती है, ब्रूइंग इंडस्ट्री के लिए फायदा होता है. शुगर केन को अगर स्प्रे करते हैं तो शुगर केन लंबे हो जाते हैं, तो ज्यादा ग्रोथ होती है, तो ज्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, 20 टन पर हेक्टेयर पर एकड़ आ जाती है. स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद जीए हैसन मैच्योरिटी पीरियड अर्ली सीड प्रोडक्शन. जुबेली आल्सो प्रमोट बोल्टिंग इंटरनोड इलोंगेशन. फ्लावरिंग से पहले इंटरनोड बढ़ा देता है जुबेली का स्प्रे कराना बीट कैबेज में. एंड मैरी प्लांट विद रोजेट, जो बंद बंद और छोटे से गोभी की टाइप के जो बंद गोभी वो बढ़ जाता है बीच का डिस्टेंस, ताकि उसका साइज बढ़ा हो जाए गोभी का. साइटोकाइनिन रीड करना है, हु विल रीड, एनीवन फ्रॉम यू कैन रीड. साइटोकाइनिन रीड करो बेटा. साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ साइनोकाइनेज एंड वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन अ प्यूरिन from the autoclaved herring sperm DNA. Chitinin does not occur naturally in plants. Search for natural substance with cytokinin-like activities lead to the isolation of zeatin from corn kernels and coconut milk. Since the discovery of zeatinin, several natural occurring cytokines and some synthetic compounds with cell division promoting activities have been identified. Natural cytokines are synthesized in regions where rapid cell division occurs. For example, root apicals, developing shoot buds, young fruit, etc. It helps to produce new. यहाँ पर cytokinin के specific effect है cytokinesis process. साइटोकाइनेसिस आपने पढ़ा है, इट इज इन द लास्ट स्टेप ऑफ माइटोसिस और मियोसिस. सेल वॉल बनती है तब है साइटोकाइनेसिस, उनको बढ़ाता है, नए नए सेल्स को बना, यानी ये मेरिस्टोमेटिक रीजन में अपना एक्टिविटी शो करेगा. सबसे पहले जब ये देखा तो ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म के डीएनए में देखा काइनेटिन नाम का सब्सटेंस. ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है एडिनिन का, जो कि प्यूरीन है. जब हमने न्यूक्लियोटाइड पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि डीएनए में दो नाइट्रोजन बेसिस के ग्रुप हैं, एक प्यूरीन एक पिरिमिडीन.
में से एडिनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन. तो एडिनिन की तरह का सब्सटेंस है काइनेटिन. काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन द प्लांट. सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंसेस साइटोकाइनेटिक एक्टिविटी जो देखी गई वो कॉर्न कर्नल्स में देखी गई, कोकोनट मिल्क में देखी गई. डिस्कवरी ऑफ जिएटिन सेवरल नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड्स विद सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी आइडेंटिफाई हुए. नेचुरल साइटोकाइनिन सिंथेसाइज होते हैं रैपिड सेल डिवीजन जहाँ होता है उन एरियाज में. फॉर एग्जाम्पल रूट एपिक्स में, शूट बड्स में, यंग फ्रूट्स में नेचुरल साइटोकाइनिन भी प्रोड्यूस होते हैं जी. यानी मेरिस्टोमैटिक टिप्स वाले एरियाज जहाँ मेरिस्टोमैटिक रीजन प्रोड्यूसेस न्यू लीव्स क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स लेटरल शूट ग्रोथ एडवांटेजियस शूट फॉर्मेशन. ये सब साइटोकाइनिन की एक्टिविटीज है. साइटोकाइनिन ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस एंड दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन व्हिच हेल्प इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस. अभी थायलिन पढ़ना है. ये आपका एक इनहिबिटरी हार्मोन है. अब तक हमने जितने पढ़े वो प्रमोटर हार्मोन थे. और ये थायलिन क्या होगा राइपनिंग में, जैसे बताया था अगर पका हुआ फल पास में रख दो कच्चे फल के तो वो भी पक जाता है कच्चा वाला भी, तो उसके अंदर से बिकॉज एक गैस निकलती रहती है इथाइलिन. तो आप इसको पढ़ोगे इथाइलिन. इथाइलिन को रीड करो बेटा. इथाइलिन हम कर रहे हैं इथाइलिन इज अ सिंपल gaseous PGR. It is synthesized in large amount by tissue undergoing senses and ripening fruit. Influences of ethylene on plant include horizontal growth of seedlings, swelling of the axil and apical hook formation in dicot seedlings. Ethylene promotes senses and abscessions of plant organs, especially of leaf and flower. Ethylene is highly effective in fruit ripening. It enhances the respiration rate during ripening of the fruits. This rise in rate of respiration is called respiratory climacetic. Ethylene breaks seed and bud dormancy, inhibits germination in peanut seeds, sprouting of potato tubers. Ethylene promotes rapid internode petiole elongation in deep water rice plants. It helps leaves under upper part of the shoot to remain above water. Ethylene also promotes root growth and root hair formation, thus helping the plant to increase their absorption surface. Ethylene is used to intervene flowering and for cyanochronosing fruit set in pineapple. It also includes flowering in mango. Since ethylene regulates so many physiological processes, it is one of the most widely used PGR in agriculture. इथाइलिन जो है, इथाइलिन में अभी ऊपर हमने देखा कि it is synthesized in large amount by tissue undergoing senescence and ripening of fruits. जो aged होने लगते हैं, senescence मतलब जो aged होने लगते हैं, mature हो जाते हैं पूरे पौधे, उनमें से निकलने लगता है इथाइलिन. राइपनिंग फ्रूट्स में से निकलने लगता है इथाइलिन. ये गैसेस हार्मोन है. ये इन्फ्लुएंस करता है प्लांट पे कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग बढ़ जाती है, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एपिकल फॉर्मेशन बढ़ जाता है डायकॉट सीड का. इथिलीन प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सेंस ऑफ प्लांट, एब्सेंस प्लांट की बढ़ा देता है एंड स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स. मतलब ये एज करता है, जल्दी जल्दी बड़ा करता है फ्लावर्स को, लीव्स को बड़ा मैच्योर करता है एंड एब्सेशन को ग्रोथ. ये इनहिबिटर है एक तरह से. तो ये प्लांट की क्या कर रहा है, एज बढ़ा रहा है, एजिंग हार्मोन कह सकते हैं. इथाइलिन इफेक्टिव है फ्रूट राइपनिंग, कच्चे फलों तो उन्हें पकाने में काम करेगा. तो इट इनहेंसेस द रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ाता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट बढ़ाता है. राइज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ब्रेक द रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक. तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाने से ही ब्रेक डाउन होने लगता है चीजों का, फूड ब्रेक डाउन होने लगता है, वो चीज क्या होने लगती है, पकने लगती है. थायलिन ब्रेक सीड्स एंड बड डाउनेंस इनिशिएट जर्मिनेशन पीनट सीड्स, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स. थायलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड पेटियोल इलॉन्गेशन डीप वाटर राइस प्लांट्स एंड इट हेल्प लीव्स अपर पार्ट ऑफ शूट टू रिमेन अबव वाटर. मतलब आपको पता है राइस को हम पानी में बोते हैं, पानी उसके अंदर खूब होना चाहिए, डूबा हुआ होना चाहिए उसका पौधा,
तब जाके वो और प्रॉपरली बड़ा होता है। कुछ पौधे का पार्ट बस उसका ऊपर आता है पानी के ऊपर, बाकी सब डूबा रहता है। तो इस वजह से इथाइलिन ही वो हार्मोन है जो इनको अच्छे से ग्रो करवा पाता है। एंड इथाइलिन आल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, द सेल प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस। रूट्स को लंबा चौड़ा उनके फाइबर्स को कर देता है, रूट हेयर बनाने लगता है। इथाइलिन आल्सो यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट ऑन प्लांट पाइनएप्पल्स एंड फ्लावरिंग इन मैंगो। Since ethylene regulates so many physiological processes, one of the most widely used PGR in agriculture. सारी चीजें करवा रहा है इसलिए एग्रीकल्चर में इसे बहुत यूज करते हैं। Most widely used PGR in agriculture, the most widely used compound as source of ethylene is ethypone. Ethypone नाम का सब्सटेंस है इसका। अगर पानी में घोल बना दें सोल्यूशन, ये ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है पौधा उसे जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके धीरे धीरे इसमें से इथाइलिन रिलीज करता रहता है। एथेपोन एज इन फूड राइपनिंग इन टोमेटो एप्पल्स एंड एसरलेट डेप्सेशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी वॉलनट, इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर इन क्यूक्यूम्बर देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड। फ्रूट्स वगैरह ज्यादा बनाने में काम आता है। एब्सिसिक एसिड बढ़ो, रीड एब्सिसिक एसिड रीड करो, एब्सिसिक एसिड का पार्ट मैम कर रहे हैं। Abscisic acid, as mentioned earlier, abscisic acid ABA was discovered for its role in regulation abscisic and dormancy, but like other PGRs, it also has other wide range effect on the plant growth and development. It acts as a general plant growth inhibitor and an inhibitor of plant metabolism. ABA inhibits seed germination. ABA stimulate the closure of stomata and increase the tolerance of plant to various kinds of stresses. Therefore, it is also called the stress hormone. ABA play an important role in seed development, maturation, and dormancy. By inducing dormancy, ABA helps seed to withstand description and other factors unfavorable for growth. In most situations, ABA act as an antagonistic to GAS. We may summarize that for any and every phase of growth, differentiation, and development of plant, one or the other PGR has some role to play. Such role could be complementary or antagonistic. These could be individualistic or synergistic. तो यहाँ पर एब्सिसिक एसिड जो डिस्कवर हुआ उसके रोल के लिए रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डोरमेंसी, उसका नाम भी एब्सिसिक एसिड इसलिए रखा गया क्योंकि डोरमेंसी उसकी क्या हो जाए ताकि रेगुलेशन होता है उससे डोरमेंसी का एब्सिशन का। बट लाइक अदर एब्सिशन कुछ भी नहीं है। एब्सिशन का मीनिंग है कि पत्तों का अपने ब्रेक होकर अपने आप गिरना, जब वो मैच्योर हो जाएंगे, अब वो डेड होने लगे लीफ, तो उनकी जो पेटियोल है, पेटियोल भी तो वीक हो जाएगी। वीक होने से वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही फॉलिंग ऑफ ऑफ लीफ, फॉलिंग ऑफ ऑफ रूट्स या फिर फ्लावर्स ही एब्सिशन कहलाती है। तो उसको बढ़ाता है एब्सिसिक एसिड। बट लाइक अदर पीजीआर इट ऑल्सो हैव अदर वाइडनिंग रेंज इफेक्ट्स ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Act as a general plant growth inhibitor and an inhibition of plant metabolism. ये plant के metabolism को inhibit करता है। ABA inhibit seed germination को भी रोकता है। ABA stimulate closure of stomata, increases the tolerance of plant to various kinds of stresses. Stomatas को बंद करके stress को cope करने के लिए help करता है। इसीलिए इसे stress hormone भी कहते हैं। एनिमल में स्ट्रेस हार्मोन क्या एड्रेनलिन था, एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता था जो। और प्लांट में स्ट्रेस हार्मोन कौन है, एब्सिसिक एसिड। क्योंकि अगर पौधे को किसी भी तरह का स्ट्रेस हो रहा है, उसे पानी नहीं मिल रहा, तो ये क्या करवा देता है, हेल्प कराता है, सोमेटा बंद करा देता है ताकि और पानी उड़े ना। रोल इन सीड डेवलपमेंट मैचुरेशन डॉर्मेंसी, इन सब में इसका रोल है। बाय इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी एबीए हेल्प द सीड टू विदस्टैंड डेसिकेशन। सीड डोरमेंसी करवा देने से यानी सीड को सूखा कर देने से
तो वो ग्रो नहीं होता, सीड ग्रो नहीं होता और वो हार्श कंडीशन में डोरमेंट रहता है, तो वो बच जाता है. इट प्रिवेंट्स विदस्टैंड डेसिकेशन, मतलब ड्राई वेदर, बहुत ज्यादा ड्राई वेदर है, बहुत हीट है, तो क्या होगा, पौधे का खराब, मरेगा नहीं मतलब पौधा, उसका अनफेवरेबल ग्रोथ कंडीशन को कोप करने के लिए भी ये काम करता है. वो सिचुएशन ए बी ए एंटागोनिस्टेड है जी एस से, या जिब्रेलिक एसिड से ए बी ए का काम उल्टा है. जिब्रेलिक एसिड जो भी प्रमोशन कर रहा है उसको रिवर्स करता है ए बी ए. यू मे समराइज दैट फॉर एनी एंड एवरी फेज ऑफ ग्रोथ डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट ऑफ प्लांट और अदर EGRF some role to play. Such roles could be complementary or antagonistic. These could be individualistic or synergistic. मतलब इनके जो overall effects हैं every phase of growth में plant के, वो PGR आपस में एक orchestra करके या communication करके पौधे को overall growth को develop करते हैं. एक दूसरे के complementary इनके roles हो सकते हैं या एक दूसरे से opposite हो सकते हैं, antagonistic हो सकते हैं. ये रोल्स ओवरऑल इंडिविजुअलिस्टिक हो सकते हैं या सिनर्जिस्टिक, मतलब एक दूसरे की हेल्पिंग नेचर से बने हुए इफेक्ट्स. ठीक है, ऐसे ही जैसे हमारे अंदर एक कम्युनिकेशन है हमारे ग्रोथ हॉर्मोन्स की, वैसे प्लांट में प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स की. सिमिलरली देयर आर नंबर ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ प्लांट वेयर मोर देन वन पीजीआर इंटरैक्ट टू अफेक्ट इवेंट. एग्जांपल सी डोर्मेंसी, बर्ड्स एब्सेशन, सेनेसेंस एंड एपिकल डोमिनेंस. Remember the role of PGR is one only kind of intrinsic control along with the genomic control and extrinsic factor. They play an important role in plant growth and development. Many of extrinsic factors such as temperature, light control, plant growth and development by PGR. Some of these events could be vernalization, flowering, dormancy, seed germination, plant movement. यानी कि पौधे के कुछ ऐसे एक्सटर्नेंसी ग्रोथ फैक्टर, जैसे लाइट भी बाहर से आ रही है प्लांट में, तो वो प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट को लाइट भी इफेक्ट करती है. उसके साथ साथ प्लांट के इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं ये ग्रोथ और पीजीआर इज वन ऑफ द ओनली काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल, अंदर से बना रहा है. और ये कुछ ऐसे प्रोसेस में जैसे फ्लावरिंग के प्रोसेस में मिनरलाइजेशन होती है, लो टेम्परेचर पे फ्लावर उगना किसी भी पौधे में स्पेशली ऐसी क्वालिटी देखी जाती है कि जब उसे ठंडा वेदर मिलता है तभी वो फ्लावर लाता है. प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहेंगे. फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट, इनमें रोल प्ले करना. वी शैल डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर बोथ ऑफ देम. तो ये हमारे कोर्स में नहीं है, फोटो पीरियडिज्म और मिनरलाइजेशन तो हमें ये कवर नहीं कर रहा. बस हमें इस चैप्टर में से प्लांट ग्रोथ हार्मोन ही कवर करना था, वो हमने कवर कर लिया. ठीक है, यही आपका आएगा. तो आज के सेशन में हमें यही डिस्कस करना था. तो हमारे क्वेश्चन क्या आएगा चैप्टर में से, यही नोट्स बनाने हैं आपको और यही लर्न.